बॉयज एंड गर्ल्स जय हिंद। दोस्तों आप सभी का फिर से ग्रेट वेलकम है आर्मी तैयारी डॉट इन में। दोस्तों एक बार फिर से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार करता कि सर मुझे कभी ओरिजिनल पेपर चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम है मेरा, मुझे प्रिपरेशन करने हैं। तो दोस्तों 28 फरवरी 2021 जिसमें आपका 32 मार्क का एग्जाम था, 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क का था, मतलब ईच क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जो होने वाला था बेंगलोर में एएससी सेंटर जो बेंगलोर में है, सीएमपी सेंटर जो बेंगलोर में है, और आर्टलरी और कहीं भी जगह में ओपन रैली और रिलेशन भर्तिया का एग्जाम था, जो कि बोलते हैं दोस्तों एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि जीडी का नहीं हुआ, जनरल ड्यूटी का। दोस्तों मैं सारी दस्तावेज लेके आया हूं कि कितने उसमें, मतलब जो पूरे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, आपको मैं पूरी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो आपसे पहले निम्न निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आप इस भर्ती में नए हैं, मतलब इस वीडियो में नए हैं, तो आप जरूर ऐड हो जाए ताकि आपको ये सब जानकारी मिल जाए और आप भी एक अव्वल और एक सर्वश्रेष्ठ फौजी बने। अगर आप चाहते हैं कि आप इच्छुक है देश की सेवा करना और आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ सबसे बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी न्यूज सटीक संपूर्ण संक्षेप में दी जाती है और सबसे पहले, और आपको थोड़ा मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हाँ भर्ती की न्यूज या कोई भी रैली सब सही है कि नहीं है, आप जानते हैं कि कैसा है। दोस्तों आप जरूर समर्थक दें अपना, कैसी लगी वीडियो ये भी बताएं, कैसी लगी मेरी वॉइस ये भी बताएं। दोस्तों जो जानकारी आज देने वाला हूं दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा और आपसे आपको इससे फायदा भी होगा, और आप कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका पूरी लाइफ चॉप आउट हो जाए, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। दोस्तों काफी युवा हैं जो कि छापामारी में पकड़ा गए हैं, जो मैं ये भी दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें 18 लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं। आपको पता है कि कभी भी सेना का भर्ती का जो एग्जाम होता है वो कभी भी लीक नहीं होता है, अगर हुआ भी है तो पूरा क्रोनोलॉजी से, मतलब पूरा एकदम पता चल जाएगा नीचे से ऊपर किसका हाथ है। तो आशा करता हूँ आप जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं वो ऐसा काम नहीं करते होंगे, ना ही ऐसे काम के लिए सोचते होंगे, ना ही कभी उनको ऐसे काम पसंद है करना, ना ही वो किसी को प्रेरित करेंगे काम करने के लिए। दोस्तों ये काम एक ऐसा काम जो कि दोस्तों आपको पूरी जिंदगी चौपट और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय, ऐसा कभी मत कदम उठाइएगा। दोस्तों शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही होता है और आपका जो हार्डवर्क है वो दिखता है और हार्डवर्क ही होता है, जिसके बलबूते ही आप सेना भर्ती में आओगे और अपने बलबूते ही आप उस वर्दी को पहनोगे, तो आपको भी शान और प्राउड और प्राइड फील होगा कि मैं इस लायक था तो आज मुझे फौजी में बनाऊं। दोस्तों कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, किसी को अपना दस्तावेज ना दे। हम जरूर हम हर जानकारी यही बोलता हूं मैं कभी कभी कि दोस्तों अपना दस्तावेज किसी को अपने हाथों ना दें, और आप एक ऐसी इंडियन, मेरे को तो ऐसा लगता है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी इंडियन आर्मी में, इंडियन हमारे पूरे इंडिया के नेशन में एकमात्र इंडियन आर्मी एक ऐसी है जहाँ पे सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, एकदम कि आपको सब कोई धांधली नहीं की जाएगी, वो सबसे अच्छा मुझे वही लगता है। क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, जो उनका सर्विलेंस करने का प्रोसेस है, जो उनका कोई भी काम करने का प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि आप कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, धोखेबाजी धोखाधड़ी या कुछ भी ना हो। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दें। ये पेपर में और एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सबसे अच्छे से एनालाइज करेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसी तैयारी करें कि हमारे हर एक जो इंडियन आर्मी में बच्चा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तक जाता है वो जरूर मेरी लिस्ट में आ जाए। तो हम पूरा आशा करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो में तो मैं आपसे बस बातचीत किया और इसमें टेढ़े मेढ़े पेपर भी थे, इसको मैं उतना जल्दी नहीं कर पाया क्योंकि बच्चों ने भेजा था, तो मैंने बस पता किया और आपके समक्ष लेके आ गया। अभी मैं इसका एनालाइज करूंगा आपके साथ कि भर्ती में आप कैसी तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। यही आज की वीडियो थी दोस्तों की इंडियन आर्मी का क्वेश्चन पेपर लीक, जिसके कारण काफी बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया, अब उनके एग्जाम स्थगित कर दिया गया। कब होगा एग्जाम इसके लिए भी आप बने रहे, हम जरूर बताएंगे आपको, हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि दोस्तों हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका मेल और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो बता देंगे। दोस्तों अब लास्टली आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इस भर्ती में आप भी थे तो आपको पता ही होगा कि कैसे क्वेश्चन लीक हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो मुझे सॉल्व पेपर लग रहा है, पता नहीं कि ये सॉल्व पेपर एग्जाम हुआ उसके बाद ये पेपर मिला या पहले ही आउट पेपर है, पता नहीं। लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी बस कर लीजिएगा एकदम धमाके वाली। अगले बार नेक्स्ट में कुछ हार्ड पेपर साइज सेट किया जाएगा या आसान पेपर, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आज की वीडियो में बस यही था, इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।